एक डरावनी गुड़िया जिसको उसी फैक्ट्री में बंद करके रखा गया है जहां पर उसे बनाया गया था। उस फैक्ट्री का नाम है प्ले टाइम और वहां पर है एक और खूनी खिलौना जिसका नाम है हगी बगी। और ये हगी बगी आपको गले लगाकर आपको कच्चा चबा जाएगा। तो आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है इस प्ले टाइम टॉय फैक्ट्री में? यहाँ पर ऐसे भूतिया खिलौने क्यों और कैसे बनाए जाते थे? और पॉपी द डॉल मतलब पॉपी गुड़िया मतलब इस पापी गुड़िया में आखिर किसकी आत्मा है? तो आज हम चलेंगे प्ले टाइम टॉय फैक्ट्री के अंदर और हगी वगी को देंगे एक तगड़ा वाला हग और जानेंगे इस पापी गुड़िया पॉपी डॉल की पूरी कहानी आज के फाड़ू वीडियो में। पॉपी डॉल और हगी वगी नाम के दो टॉयज थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे 1960 के दशक में। इनको प्ले टाइम नाम की एक कंपनी ने बनाया था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि एक रात अचानक इस कंपनी के सारे वर्कर गायब हो गए थे। ये कंपनी रातों रात वीरान हो गई थी और इसे बंद करना पड़ा। ये कोई नहीं जानता कि आखिर ये सब क्या हुआ था। उन गायब हुए वर्कर्स के बारे में भी कभी किसी को पता नहीं चला। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम था एलियट लडविक और उनको बचपन से ही खिलौनों के साथ खेलने का काफी शौक था। बचपन में तो सभी को शौक होता है, उन्हें जवानी तक खिलौनों से खेलने का शौक था। वो कुछ इनोवेटिव टाइप के खिलौने बनाना चाहता था, खिलौनों की दुनिया में बवंडर भूचाल लेकर आना चाहता था। और एलियट का सपना था कि वो अपने खिलौनों से खेलने के पैशन को प्रोफेशन में बदल डालेगा। तो उसने खिलौने बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था प्ले टाइम। और उसमें बनने वाले खिलौने इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि वो कंपनी रातों रात हिट हो गई। वहां पर एक खास मशीन थी जो खिलौने बनाया करती थी। वो मशीन बड़ी ही अजीब थी क्योंकि वो मशीन अपने आप ही चलती थी। अब मशीन में लगी ये टेक्नोलॉजी अल्ट्रा मॉडर्न थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, या फिर ये मशीन खुद एक भूतिया मशीन थी, ये बात आपको आगे पता चल जाएगी। प्ले टाइम फैक्ट्री में बनी सबसे ज्यादा फेमस गुड़िया का नाम था पॉपी। ये एक बोलने वाली गुड़िया थी और उस समय के हिसाब से ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और हाँ, साथ ही साथ उसके बालों से खुशबू भी आया करती थी। ये शायद हमारे जमाने की एलेक्सा जैसी थी जिससे कुछ भी बोलो तो वो जवाब दे देती है। और साथ ही साथ इस कंपनी ने बनाया था एक नीला नमूना जिसका नाम था हगी वगी जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और इसकी खासियत थी कि ये हग देता था, लोगों को हग देता था मतलब गले लगा लेता था। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा। एलियट ने ढेर सारा पैसा छापा, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। इस कंपनी के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स थे जो लोगों के सामने तो नहीं आए थे, लेकिन उनकी वजह से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इस कंपनी की फैक्ट्री को और इसमें बने हुए हर खिलौने को भूतिया बना दिया। डार्क सीक्रेट्स। इस कंपनी में डू और डोंट्स की एक लिस्ट लगी है और इसके डोंट्स काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि रात को 8 बजे के बाद इस कंपनी में रुकना मना है। यहाँ पर पॉपी द डॉल को बंद करके रखा गया है एक अलमारी में और इस बंद कंपनी की रात के समय रखवाली करता है हगी बगी। वैसे तो ये खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अजीब भी हो रहा है। यहाँ पर एक खास इनोवेटिव रूम है जहाँ पर किसी का भी जाना सख्त मना है और यहाँ पर ही होती है वो अजीब सी रिसर्च जिससे नए नए तरीके के खिलौने बनाए जाते हैं। मिस्ट्री बिगिंस। एक दिन अचानक इस फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग गायब हो गए, किसी का कुछ भी पता नहीं चला। ये फैक्ट्री रातों रात बंद हो गई, लेकिन उनमें से एक बंदा था जिसने की बीच में ही जॉब छोड़ दी थी और वो गायब होने से बच गया था। इस घटना के करीब 10 साल बाद उसे एक पोस्ट आई जिसमें उसे एक वीडियो टेप मिला और एक लेटर मिला। वीडियो टेप के अंदर वो वीडियो था जो पॉपी द डॉल का पहला एडवर्टाइजमेंट था, जहां पर पॉपी द डॉल को बोलते हुए बताया गया था। और साथ ही साथ थी एक चिट्ठी जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि सभी लोग सोचते हैं कि हम सब 10 साल पहले गायब हो गए थे, लेकिन हम लोग आज भी वहीं हैं, फंसे हुए हैं। हमारी मदद करो, हमें ढूंढो और इस फ्लावर को ढूंढो। जिस बंदे को ये लेटर मिला था वो समझ गया कि फैक्ट्री में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसने बाकी बचे हुए लोगों की मदद करने का फैसला किया। और इसके लिए वो रात के समय अकेले उस फैक्ट्री में चला गया। लिटरली वो जो भी बंदा था वो पुरुष नहीं था, वो महापुरुष था। क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। देखो, अगर उस बंदे की जगह मैं होता तो मैं ये गलती कभी भी नहीं करता। हाँ, मदद करने के लिए मैं जरूर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता, लेकिन रात में उस फैक्ट्री में तो ना बाबा, मैं तो नहीं जाता। उस फैक्ट्री में जाने के बाद उस बंदे को बहुत ही हॉन्टेड और स्कैरी एक्सपीरियंस हुआ। उसको पता चला कि वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वहाँ के खिलौने जिंदा थे और वहाँ इंसानों को खिलौनों में कन्वर्ट कर दिया जाता था। उस सीक्रेट इनोवेटिव रूम में जो एक्सपेरिमेंट होते थे वहाँ पर जिंदा इंसानों को खिलौनों में बदला जाता था। प्ले टाइम टॉय फैक्ट्री में अनाथालय से लाए गए बच्चों को खिलौनों में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ऐसे लोगों को वहां पर लाया जाता था जिनका कोई नहीं होता था और उनको छोटे मोटे लालच देकर उनके साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। और उस फैक्ट्री के सीक्रेट्स की रखवाली करता था हगी वगी यानी अपना प्यारा हगुआ। उस टॉय फैक्ट्री में गए हुए आदमी ने गलती से
फ्लॉवर को ढूंढने के चक्कर में पॉपी द डॉल को, जो सीक्रेटली उस फैक्ट्री के अंदर बंद थी, उसको चैम्बर से बाहर निकाल दिया। हालांकि वो डॉल इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इस फैक्ट्री से बाहर जाना चाहती थी, या शायद वो इस डॉल के शरीर से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर भी किसी न किसी की आत्मा है। इस डॉल के अंदर कौन फंसा है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अपना जो हगुआ है उसकी स्माइल बड़ी अच्छी है, मतलब बिल्कुल मिथपैट जैसी। नहीं, मिथपैट की स्माइल ज्यादा अच्छी है, लेकिन अपना हगुआ भी किसी से कम नहीं। स्टोरी ऑफ पॉपी। 1960 में स्टेला नाम की एक लड़की थी, जो उम्र में तो बड़ी हो गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी छोटा था। उसे भी खिलौनों से खेलना काफी अच्छा लगता था। वो बड़ी हो गई थी, उसके बाद भी वो खिलौनों से ही खेलती थी, और उसका ये शौक उसके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि खिलौनों के प्रति उसकी इतनी दीवानगी थी कि उसने प्ले टाइम टॉय फैक्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसे थोड़ी मालूम था कि यहाँ पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इलियट भाई ने उसे नौकरी पर रख लिया, और कुछ दिन बाद उसे अपनी बातों में फंसा कर अपने एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए राजी कर लिया। हालांकि स्टेला को पूरी डिटेल्स में उस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए वो शायद मान गई थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद उसकी आंख खुली, तो उसने पाया कि वो एक डॉल के शरीर के अंदर बंद है, और वो सिर्फ उतनी ही बातें बोल सकती है जितना उसके अंदर प्रोग्राम कर दिया गया है। वो बहुत कुछ सोच रही थी, बाहर आना चाहती थी, लेकिन वो 3 या 4 लाइनों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी, और इस तरह जन्म हुआ पापी गुड़िया का। स्टेला के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, वो इलियट से बहुत ज्यादा नाराज थी, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और यही कारण था कि उसको अलमारी में बंद करके रखा गया, ताकि वो बाहर जाकर किसी को भी इस राज के बारे में ना बता सके। करीब 15 साल से भी ज्यादा वो डॉल उस अलमारी के अंदर बंद रही, क्योंकि इलियट बहुत अच्छे से समझ गया था कि ये पॉपी पहना देगी उसको टोपी। हगी वगी नीले रंग का एक अलग सा खिलौना है, जिसका काम है लोगों को हक करना, उन्हें खुश करना, लेकिन ये इतना ज्यादा खूंखार हो चुका है कि ये लोगों को गले तो लगाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें कच्चा चबा जाता है। और नीले रंग के इस नमूने की एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसका नाम है किस्सी मिस्सी, जो लोगों को पहले करती है किस, उसके बाद कर देती है उन्हें टाइम टाइम फिस। देखो, आई एम नॉट श्योर कि ये जो गुलाबी सीना है वो अपने हग्गू भाई की गर्लफ्रेंड है, हो सकता है ये उसकी सिस्टर हो, क्योंकि दोनों एक ही फैक्ट्री में बने हैं, और जो एक फैक्ट्री में बनते हैं वो भाई बहन ही होते हैं। एनीवे, इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता, बट ये दोनों है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो जब भी कोई इंसान इस टॉय फैक्ट्री के अंदर जाता है, उसका सामना भूतिया खिलौनों से होता है। तरह तरह के अजीब खिलौने, कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट उसे दिखते हैं, और उन खिलौनों की पूरी कोशिश रहती है कि इस फैक्ट्री के अंदर आने वाला कोई भी जिंदा इंसान वापस लौट कर ना जा पाए, ताकि इस फैक्ट्री का राज पूरी दुनिया के सामने ना आए। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे सवाल भी हैं, जैसे कि आखिर कौन था जिसने वो लेटर एक्स एम्प्लॉय को भेजा था, जिसमें ये लिखा था कि आओ और हमें बचा लो। कहीं ये लेटर उस पापी गुड़िया ने ही तो नहीं लिखा था? अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर हगी वगी के अंदर किसकी आत्मा है, और आखिर क्यों उसका मुंह इस तरह से बनाया गया है। एनीवेज, कहानी के बहुत सारे राज का पर्दाफाश धीरे धीरे होता जाएगा, लेकिन अभी तक जो मुझे मालूम था मैंने आपको पूरा शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया पॉपी द प्ले टाइम पर एक वीडियो बनाओ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर ही दोगे, सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।